तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा ऑब्जेक्ट, रेंज का ऑब्जेक्ट। और रेंज का ऑब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा कि आखिर रेंज करता क्या है। तो क्योंकि हम कुछ भी करते हैं वो रेंज में ही करते हैं, चाहे हमें पिवट लगाना हो, फिल्टर लगाना हो, डेटा कॉपी करना हो, पेज करना हो, एनीथिंग, हम जो भी करते हैं वो हमारा रेंज पे ही होता है। सो रेंज इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ गए। तो रेंज में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलेक्शन। बगैर सिलेक्शन का हम कुछ नहीं कर सकते ना सर। तो चलिए आज हम आपको रेंज का सिलेक्शन बात ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम रेंज को कॉल कैसे करेंगे इस चीज को जान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेता हूँ माइक्रो, तो रेंज को कॉल करने का बेसिकली कई तरीके हैं। पहला है रेंज, इसके अंदर A1 V1 C1 डाल दीजिए, डॉट सेलेक्ट एक्टिवेट, जो करना है कर सकते हैं। दूसरा है सेल्स, R1 C1, रो नंबर एंड कॉलम नंबर न्यूमेरिक में डालना होगा, और फिर इसको सिलेक्ट या जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और तीसरा आप जानते ही एक्टिव सेल, और चौथा सिलेक्शन। अब इसको समझिए, रेंज जो है आपका A1 B1 C1 कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस पता है, उस एड्रेस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आपको एड्रेस में पता हो, लेकिन ये पता हो कि पांचवा नंबर रो और छठा नंबर कॉलम, तो इस सेल्स में आप दे सकते हैं। जो जिस सेल पे हमारा कर्सर है, जैसे कि कर्सर कहाँ है, D2 पे है, दैट कॉल्ड एक्टिव सेल। उसके लिए हम यहाँ एक्टिव सेल लेके जाते हैं। और सिलेक्शन मतलब कि आपने कुछ एरिया को सिलेक्ट कर रहा है, तो आपने सिलेक्शन कर लिया, तो सिलेक्टेड रेंज जो है वो सिलेक्शन कहलाएगा। तो ये सेल का कॉलिंग मेथड होता है। अब जैसे कि आप और कॉलिंग मेथड यूज करते भी, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया रेंज A1.सेलेक्ट, तो ये क्या करेगा, जो आपका एक्टिव सीट है उस सीट के रेंज A1 पे जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे डेटा सीट के रेंज A1 पे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इससे पहले हमें सीट और इसमें डेटा सीट का रेफरेंस देना होगा, ठीक है। तो डेटा शीट पे जाएगा, देन A1 पे सिलेक्ट करेगा, लेकिन वो एक्टिव फाइल की। अगर मान लीजिए मुझे बुक 2 के डेटा सीट के A1 पे चाहिए, तो यहां पे आपको वर्क बुक और यहां पे बुक 2 है ना, बुक 2 डॉट XLS Act डॉट एक्टिवेट होगा ना आपका, ठीक है, समझे। तो अगर आपको एक एक्टिव सीट का है, जस्ट रेंज 1 लिख दीजिए, आपको एक पर्टिकुलर सीट में A1 करना है, बट एक्टिव फाइल, देन इस 2 लाइन को लिखे, लेकिन एक पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर शीट के पर्टिकुलर रेंज पे जाना है, देन आपको 3 लाइन लिखना पड़ेगा। क्लियर है? गांधी जी, रवि जी, क्लियर है आपको? सर। yes, चलिए, अब हम सिलेक्शन की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं कि एक एरिया को सिलेक्ट कैसे किया जाए। तो मैंने यहाँ रेंज A1 से, मान लीजिए मेरे पास यहाँ है G9, A1 से लेके G9 डॉट सिलेक्ट। लेकिन इसको एक, ये तो हो गया एक्सेल का तरीका, इसको हम एक्सेल का तरीका कहते हैं। एक हमारा जो होता है वो वीवीए का तरीका होता है। वीवीए का तरीका होता है कि रेंज, और इसमें हम स्टार्टिंग पोजीशन में A1 कॉमा यहाँ पे G9 रखते हैं डॉट
select. ठीक है, ए वन से जी नाइन, तो ये हमारा स्टार्टिंग पोजिशन होता है। ये क्या करेगा, ये आपका सबसे पहले वाले पे क्लिक करेगा और शिफ्ट को प्रेस करके सबसे लास्ट वाले को क्लिक करेगा। क्लियर है सर? तो ये हो गया, लेकिन मुझे मान लीजिए कि कंट्रोल ए करना है, तो यहां आप रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन, ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट करेंगे। क्या करेगा, आपका एक्सेल शीट पे जाएगा और जस्ट ए वन कंट्रोल ए प्रेस कर देगा। क्या प्रेस करेगा, कंट्रोल ए। लेकिन मुझे मान लीजिए पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करनी, जैसे यहां रेक्टेंगल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूं ना, पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेंज, रेंज नहीं यहां पे, तब सीट सिलेक्ट करने के लिए सेल्स डॉट सिलेक्ट, तो पूरी की पूरी सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब कि सीट्स को सिलेक्ट कर। ओके, समझ आया सर? तो हम सीट को कॉल करने का तरीका समझा, हम सीट को नेविगेट कैसे करेंगे ये तरीका बताया मैंने आपको, फिर किसी रेंज को कैसे सिलेक्ट करते हैं इसका एक्सेल मेथड और वीवीए मेथड बताया, फिर हमने बताया आपको कि कंसोल ए कैसे करते हैं, फिर एंटायर शीट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मान लीजिए, मान लीजिए पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट, रवि जी माइक म्यूट कर लीजिए, शोर हो रहा है। मुझे पर्टिकुलर शीट को, जैसे हम लोग कंट्रोल को करते हैं ना, कंट्रोल प्रेस किए, इसको सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो उसके वैसे कैसे करेंगे, तो यहां हम देंगे रेंज ए वन कॉमा सी वन, इन्वर्टर कॉमा के अंदर ही, ठीक है ना, सी वन कॉमा यहां पे डी वन या डी फाइव D7, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स को, राइट सर? बट मल्टीपल सेल्स को आप सिलेक्ट करते हैं तो एक चीज का ध्यान आप रखेंगे, कैसे, जैसे कि अगर आपने सिलेक्ट किया A1 और आपने सिलेक्ट किया D1 और सिलेक्ट किया E1 और सिलेक्ट किया F1, मतलब एक ही लाइन में आपने सेम रो, जैसे कि कॉलम ए में हमने एक किया है, तो जो 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 कॉलम में सिलेक्ट किया समय एक एक सेल किया है और उसी रो में किया है, इसको आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने सी कॉलम में दो कर लिया, अब इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, समझ गए, आप कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा सर, अगर एक तो वो एक ही कॉलम में अगर ज्यादा है तो नहीं, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे ए से लेके थ्री किया है, सी में सिलेक्ट करना है तो सी भी लेके, सी भी जो होगा वो ए से लेके थ्री होगा, ठीक है ना, सब उसको कॉपी कर पाएंगे, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो कॉपी का कोड लिखने से पहले, कॉपी का कोड लिखने से पहले ये जो मल्टीपल सेल्स के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब जैसे आपने कंट्रोल प्रेस करके आपने कई सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, ऐसे हम कई सारे शीट भी सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए कोड क्या होगा, तो आपको एक साथ कई सारे शीट सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहां लिखा जाएगा शीट एरे, और इसमें जिस सीट को सिलेक्ट करना है उस सीट का नाम दे दीजिए,
डेटा टू कॉमा से डेटा थ्री। जी हाँ इनवर्टेड कॉमा में, और फिर इसको क्लोज कीजिए डॉट सेलेक्ट। समझे सर? तो मल्टीपल सेल्स को ऐसे सिलेक्ट करते, क्लियर है? तो सिलेक्शन हमने अभी हमने डायनेमिक सिलेक्शन नहीं किए हैं, ठीक है ना, डायनेमिक सिलेक्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें जानना है कि किसी रेंज पे हम टाइप कैसे करेंगे। मान लीजिए के वन पे मुझे कुछ टाइप करना है, तो कैसे टाइप करेंगे? उसका लिखने का तीन तरीका है, रेंज के वन, अब यहाँ पे डॉट वैल्यू लगाना है और इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है नेम, तो हमने नेम कर दिया, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि के बाद क्या आता है एल, हाँ एल वन और इक्वल टू हम यहां दे देते हैं रॉल, इसमें डॉट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही एम वन डॉट फॉर्मूला, और यहां पे हम दे देते हैं मार्क, राइट। तो एक सेल पे कुछ टाइप करना है तो उसके बदले कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला भी कर सकते हैं, वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कि m की वैल्यू को k के ऊपर डालना है, तो मैंने यहां पे लिखा रेंज k, क्योंकि k रिसीव तो k डॉट वैल्यू, अब यहां पे वैल्यू हो फॉर्मूला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम रेंज m m1 डॉट वैल्यू किया तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जाएगी। मतलब अगर m1 में लिखा है, m1 के अंदर अगर लिखा है 20 प्लस 30, तो m1 पे जस्ट 50 जाएगा, उसका फॉर्मूला नहीं जाएगा, उसका कंटेंट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां डॉट वैल्यू के जगह पे, जो डॉट वैल्यू है, इस डॉट वैल्यू के जगह पे फॉर्मूला कर दिया, तो इसका फॉर्मूला जाएगा इक्वल 30 प्लस 20, इस तरह से फॉर्मूला जाएगा। तो आप डेटा रिसीव करते हो या टाइप करते हो, तो आप वैल्यू लगा दें या कुछ लगाए नहीं या फॉर्मूला लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी अनोदर सेल से किसी अनोदर सेल में वैल्यू डालते हो, तो जो रिसीवर है उसमें कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो गिवर है उसमें आपने डॉट वैल्यू लगाया या डॉट फॉर्मूला लगाया, तो इफेक्ट पड़ता है। समझ गया सर? अब जैसे ये रेंज में सेल नंबर देना मैंडेटरी है तो क्या? क्या सेल नंबर मतलब? ए रेंज? हाँ रेंज में जो सेल, हाँ सर नहीं दे देंगे तो कहाँ डालेगा? कहाँ डालना है वो बताना होगा ना आपको सर। 10 लाख इसके अगर नहीं डालेंगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि गदा प्रसाद है, क्योंकि 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 6000 कॉलन है, समझ रहे ना? कितने रो होंगे सर? अगर हम बात करें शायद प्रोग्रामिंग का कुछ दूसरा मेथड भी हो सर। जी हाँ, 10 करोड़ से ऊपर, 10-12 करोड़ मैंने कि 160 करोड़ से ऊपर सेल है, तो आपको बताइएगा नहीं कि भाई किस सेल में डेटा डालना है, तो कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा, वो समझ पाएगा? आप एक्सेल की तरह सोचिए सर, एक्सेल की तरह सोचिए। अगर मैं बोलूं कि भाई बाजार जा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो बाजार जाके क्या सामान खरीदना है, कितना खरीदना है, क्वेश्चन होगा ना आपका सर? जब तक एक क्लिप अगर क्लियरिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक आप बाजार जाके क्या करेंगे? बस समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज है। तो हर एक चीज आपको इसको भी समझाना होगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना होगा, कंफ्यूज करेगा तो एरर दे देगा वो,
ठीक है ना, जैसे कि आपने भी रेंज डाला कुलदीप जी, एड्रेस गलत डाल दिया, एड्रेस आपने डाला तो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कंफ्यूज होकर आपको एरर दे दिया ना सर उसने। ये सेम चीज यहाँ ऐसे यहाँ भी कर लेगा करेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो रेंज के कोड, रेंज को थोड़ा सा स्लोली पढ़िए, क्योंकि रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बाद जितना भी हम काम करेंगे उसपे मोस्टली पे हम रेंज का रेंज पे वर्क से जरूर करेंगे। तो रेंज को अच्छे तरीके से पढ़िए,